हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हाँ, काफ़ी दिन हो गए थे, बेडशीट चेंज नहीं की थी, तो यहाँ पर हो रही है बेडशीट चेंज। एक्चुअली ये मैंने मीशो से ली है बेडशीट, पहले भी मीशो से ही ली थी। वो आपने काफ़ी लोगों को पसंद आई थी, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने पूछा था मुझसे कि ये वो वाली बेडशीट कहाँ से ली है, जो ब्लू मैंने अभी जिसका कवर उतारा है वो वाली बेडशीट कहाँ से ली है। वो भी मीशो से ही ली थी और ये वाली भी मीशो से ली है। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे आजकल मीशो को जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसी वजह से मैं मीशो के प्रोडक्ट काफ़ी यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है। इसी वजह से मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जाने से अच्छा है कि मीशो से ही ले ले प्रोडक्ट। तो इसी वजह से मैंने ये वाली बेडशीट ऑर्डर की थी और ये वाली भी आ गई थी, तो मुझे लगा चलो बिछा के लेते हैं कि ये वाली बेडशीट कहाँ से दिखती है, कैसे दिखती है। एक्चुअली ये कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था जब मैं देखा था तो, और पिछला वाला जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा था। आप लोगों ने देख ही लिया है, बट अभी ये वाला जब बिछाऊंगी तब आप देख लेना कि कितना ज़्यादा प्यारा लगता है ये वाला कलर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और प्योर कॉटन की है बेडशीट, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप देख लेना किस तरह कितने की है क्या है। वहाँ पर ना आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो इसी वजह से मुझे ना आजकल मैं कुछ भी घर पे जो भी चाहिए होता है या कोई भी चीज़ की नीड होती है मुझे, तो वहाँ पर ही सर्च करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं वहाँ के प्रोडक्ट, मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब क्वालिटी वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप लोगों ने अगर ऑर्डर किए होंगे तो आपको पता ही होगा, तो ये वाली बेडशीट आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है बिछाने के बाद, मतलब जब पूरी बिछ जाएगी ना तो आप देख लेना कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। उसके साथ ये वाला जो ब्लैंकेट है वो भी मैचिंग हो रहा है, तो मुझे अलग से कोई ब्लैंकेट या कुछ भी बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला ब्लैंकेट भी बहुत ही अच्छे से मैचिंग हो रहा है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको कैसे लगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और यहाँ पर ये है फाइनल लुक बेडशीट का। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। अभी बज रहा है 6 शाम के और हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट। अभी अभी रेडी हुई हूँ, एक्चुअली मैंने नहा लिया। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार आजकल, पता नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है। तो एक्चुअली इन्होंने ना एसी नहीं लगाया था दोपहर में, इसी वजह से तो मैंने अभी नहा लिया है। मैंने क्या, सभी ने नहाया है अभी, अद्विक ने, माही ने, सभी ने नहाया है और अभी हो चुके हैं रेडी तो जाने के लिए डी मार्ट। क्योंकि ना आंटी, मतलब आंटी, हाँ बोल रही हूँ, श्रीकांत की मम्मी, आप आंटी से समझोगे नहीं, श्रीकांत की मम्मी को कुछ सामान लेना था डी मार्ट से, थोड़ा सा ग्रॉसरी, नहीं ग्रॉसरी तो हमें लेनी है। श्रीकांत की मम्मी को क्रॉकरी लेनी थी डी मार्ट से, तो मुझे बोल रहे थे कि आप चलो मेरे साथ, तो मैंने बोला चलो हमें भी ग्रॉसरी लेनी है तो हम लोग साथ में ही चले जाते हैं। इसी वजह से ये बोल रहे थे कि सब लोग साथ में जाएंगे, तो आज सभी लोग पूरी फैमिली मिलके आज साथ में जा रही है डीमार्ट। और आज भी देखो रेडी हो चुका है वहाँ पे अपन घेऊ आज, नहीं ना, पण अपन घेऊ ना आज, घेऊ ना आज, मोठी पाहिजे थोडी, आज घेऊ आपण त्याच्या त्याच्या मापाची व्यवस्थित। शू उल्टा पहना आपने, शू पापा बोल रहे थे जितने चॉकलेट के लाकर घर में कैसे आ गए, मेरा पापा ने चॉकलेट दी, पापा ने बोला था घर के अंदर दीदी ने एक दो लाल तो बोलते सारे खा लिए उसने, ये एक दिन हम लो, बाप रे शू पॉलिश नाही तुम्ही दिसल्या होत्या मला। बेडरूमचं लाईट ऑन ठेवू का काकू, तेच घ्यायला म्हणत होती मी तुम्हाला। अरे काकाला म्हण ना यायसाठी, चला म्हणा thank you.
सो गाइज हम लोग पहुंच गए थे डीमार्ट, और डीमार्ट पहुंचते ही ना तो यहाँ पर सभी के मतलब ज़्यादातर लोगों के मुंह पे वो दिख रहा था, क्या बोलते हैं, मास्क लगाए हुए। आप देख देख सकते हो पीछे भी मास्क लगाए हुए दिख रहा था। और मतलब जो स्टाफ है तो वो तो पूरा मास्क ही मतलब लगा के रखे थे स्टाफ ने, और इस वजह से इनको लगा कि चलो अद्विक को भी मास्क लगा देते हैं, तो मास्क तो हमने लाया नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, हैंकी को अद्विक के नाक पे लगा दिया। और वहाँ पर ना डीमार्ट में टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा था, जैसे चेक इन नहीं होती है उस टाइम पे, वहाँ पर मतलब अंदर तो अंदर जाते ही वहाँ पर ना वो कहीं किया जा रहा था, टेम्परेचर चेक किया जा रहा था सभी का। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा अलग ही लगा क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद निकली थी घर के बाहर, तो इसी वजह से एक्चुअली जिम तो जा रही थी, जिम में इतना नहीं पता चल रहा था, बट जिम तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से मेरे घर के पास ही है, तो इसी वजह से मतलब इतना भी घर के पास नहीं है बट थोड़ा सा है, तो यहाँ इसी वजह से मुझे इतना नहीं पता चल रहा था। बट ऐसे पब्लिक प्लेस में मतलब ज़्यादा लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर, तो मैं अभी डीमार्ट वगैरह में कितने दिनों के बाद गई तो मुझे पता चला कि जी कोरोना वायरस का कितना डर बैठ गया है लोगों के मन में, तो इसी वजह से वहाँ पर ना सभी ने मास्क वगैरह लगाया हुआ था। और माही के स्कूल में भी स्ट्रिक्टली वॉर्न किया है, बोल रहे थे कि मास्क वगैरह लगा के आने के, सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए, सैनिटाइज़र तो एक्चुअली वो यूज़ करती ही है हमेशा, बट मास्क वगैरह लगाने के लिए बोला है, तो मैंने बोला कि उसको मतलब मंडे से आप मास्क वगैरह लगा के जाया करो। तो यहाँ पर हो रही है क्रॉकरी की शॉपिंग, क्योंकि आंटी अंकल को क्रॉकरी लेनी थी, इसी वजह से वो हमारे साथ आए थे, और हमें ग्रॉसरी लेनी थी, तो हमारी ग्रॉसरी की शॉपिंग तो यहाँ से ही होती है, आप लोगों को सभी को पता है, तो ग्रॉसरी भी ले ली थी हमने, और आंटी अंकल ने वो भी ली थी क्रॉकरी, तो क्रॉकरी काफ़ी सारी ले ली थी, बट आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि वो घर पर लेके जाएंगे, तो इसी वजह से आप यहाँ पर ही देख लीजिए थोड़ा सा। आ गई हूँ मैं घर, और अब जा रही हूँ जिम के लिए, रेडी होती हूँ जल्दी से क्योंकि बहुत लेट हो गया यार। मुझे लगा भी नहीं था इतना लेट होगा, क्योंकि अंकल आंटी का सामान और हमारा सामान, बहुत सारा सामान हुआ है, 6,500 का तो हमारा ही हुआ है, अंकल आंटी का हुआ है 2,500 का। तो चलिए फिर उधर से आने के बाद, अंकल आंटी का पता नहीं अभी वो लेके जाएंगे, वो तो नहीं दिखा सकती हूँ, क्रॉकरी में सारी क्रॉकरी ली है उन्होंने, काफ़ी दिनों से बोल रहे थे मुझे कि क्रॉकरी लेनी है क्रॉकरी लेनी है, बट उनका लेना ही नहीं हो रहा था, तो अभी फाइनली ले ली उन्होंने। तो अभी मैं होती हूँ रेडी जिम के लिए, और यहाँ पर निकाल के तो पहले से ही रख दिया था मैंने, तो जल्दी से रेडी होती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे, उधर से आने के बाद मैं आपको सारा कुछ दिखा दूँगी। यहाँ पर आ गई थी मैं जिम से, और जिम से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है यार, और हाँ डाइटिंग नहीं कर रही हूँ मैं, किसी ने मुझे बोला था डाइटिंग मत करो, और डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब बिना खाए रहो या कुछ भी, डाइटिंग का मतलब ये है कि आप अच्छे से डाइट लो, मतलब प्रोटीन वगैरह या सारी चीज़ें, ऐसे प्रोटीन विटामिन्स की चीज़ें लो, तो उसे डाइट बोलते हैं। तो मैंने डाइट बोला था तो उनको लगा कि डाइट में से उनको लगा था कि मेरी तबीयत पहले से ही ख़राब है और उसमें मैं डाइट करूँगी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो वैसा नहीं है। डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाओ ही मत, डाइट का मतलब ये होता है कि हेल्दी चीज़ें खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, कम क्वांटिटी में खाओ, ये सारी चीज़ें होती है। और हाँ मैं यहाँ पर रोटी का चूड़ा खा रही थी, एक्चुअली सब्जी क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से रोटियाँ काफ़ी सारी बच गई थी सुबह की, तो ये बोल रही थी कि रोटी का चूड़ा और दही ही साथ में खाएंगे हम लोग, तो इसी वजह से, और इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है रोटी का चूड़ा, बट मेरे घर पर रोटियाँ ज़्यादा बचती नहीं है, तो इसी वजह से मैं रोटी का चूड़ा काफ़ी कम बनाती हूँ, बट जब भी बचती है हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार से बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं। तो यहाँ पर रोटी का चूड़ा बनाया था, आते ही पहले रोटी का चूड़ा बनाया तो इन्होंने और बच्चों ने खा लिया था, मेरे बाकी के काम भी पड़े थे क्योंकि हम लोग डीमार्ट गए थे तो बाकी के सारे काम पड़े थे, तो इसी वजह से मैंने इनको बोला था कि आप बच्चों के साथ खा लो, तो मैं अकेली बच्ची थी तो मैं अकेले थोड़ा सा वो होता है खाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बट क्या कर सकते हैं, बाकी के काम भी पड़े थे तो इसी वजह से मैं अकेले ही यहाँ पर खा रही हूँ। तो दही लिया था मैंने और दही के साथ रोटी का चूड़ा लिया था। किस किस को रोटी का चूड़ा पसंद है ज़रूर बताना कमेंट करके। नहीं ये वही का है सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट दे के लिए, सरप्राइज गिफ्ट, ये अधिक हमेशा बोलता रहता है सरप्राइज गिफ्ट, कुछ भी लाया कुछ भी लाओ तो हमेशा यही बोलता है, आंखें बंद करो सरप्राइज गिफ्ट लाया आपके लिए, ये देखो जान दो, जो कुछ नहीं तो मुझे दे दो, फिर दे दूँ दीदी को, दे दूँ दे दे दूँ दो दे दूँ, पर फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं मम्मा। हाँ? गेम खेलूँ क्या, गेम खेलूँ क्या
मम्मा मैं जान छू क्या खेलू क्या छुलू क्या मैं हां छुलू क्या मैं गेम हां अद्वीक अभी रात के 11 बज रहे हैं, अब गेम खेलोगे? अब गेम नहीं खेला, आज पसंद गेम नहीं खेल लो मैं आज पसंद गेम नहीं खेल लो आज पर्यंत तो आज आज सका आज पासून गेम नाही खेळला तू आज पर्यंत गेम नाही खेळला आणि हे तू काय लावलं ये क्या लगाया आपने ये शर्ट को क्या लगाया व्हाइट 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 उसने लगाया अच्छा फिर रद्विक उसने लगाया फिर मम्मा इसमें मिर्ची रहती है मुझे टिकट लगता है मिर्ची रहती है आपको ये सोया स्टिक जैसा है ये सोया स्टिक है ना चिप्स का पैकेट है वो नहीं ना पिल्लू झोपायचं आहे ना आता झोपायचंय सोना है ना नहीं चलो सो जाओ मैं नहीं सोता मुझे गेम खेलना है जिद को बोला ना और एक मिनट गेम खेलता मैं एक मिनट गेम खेलता मैं मम्मा एक बार गेम खेलता मैं रोना नहीं रोना मम्मा गेम शुरू कर मी शुरू नहीं खेल दो जिम से आते ही सबसे पहले खाना खाने बैठी इतनी ज्यादा भूख लग गई थी आज तो सुबह भी खाना नहीं खाया था इस वजह से बहुत ज्यादा भूख लग और सुबह खाना नहीं खाया मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे मैंने खाना नहीं खाया है खाना खाया है हाँ खाना खाया था बट बहुत लाइट खाया था तो ब्रेकफास्ट ही मतलब ब्रेकफास्ट ही किया था वही ब्रेकफास्ट खाना एक ही था तो इस वजह से दही रोटी खाई थी एक्चुअली हाँ तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लाइट खाना खाया था तो बहुत भूख लगी थी उधर से आने के बाद तुरंत मैं खाना खाने बैठी और हाँ रोटी का चूड़ा बनाया था आज रोटियाँ काफ़ी सारी बच गई थी सुबह की तो इस वजह से रोटी का चूड़ा बनाया उसके बाद खाना खाने बैठी और हाँ मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली ग्रॉसरी तो मैं आज दिखा नहीं पाऊंगी आपको पता नहीं अभी को क्या हो गया ऐसे होते हैं बीच बीच में तो ग्रॉसरी तो आपको दिखा नहीं पाऊंगी अगर आप बोलोगे तो ग्रॉसरी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंगी और अभी जो कुछ अलग सा सामान लाया है वही दिखा देती हूँ आपको एक ये है क्या बोलते हैं एक ये बास्केट लाई है पता नहीं कितने की है 99 रुपीज़ की तो ऐसे ही डाइनिंग पे रखने के लिए फ्रूट्स वूट्स के लिए तो ये वाली बास्केट मतलब किसी भी चीज़ के काम आएगी जैसे फ्रूट्स वूट्स रखने के लिए और फ्रिज में रखने के लिए सारी चीज़ों के लिए काम आएगी ये वाली ये लाई है और ये ऐसे अलग से चीज़ें कुछ लाई नहीं है एक ये बास्केट लाई है आप देख सकते हो ये वाली बड़ी सी ये लॉन्ड्री के लिए लाई है जिम में थक गई हूँ आज और लॉन्ड्री के लिए लाई है और ऐसे ही ग्रॉसरी लाई है तो ग्रॉसरी अगर आप बोलोगे तो दिखा दूंगी मैं आपको और एक अद्विक के लिए चप्पल लाई है सैंडल लाई है अद्विक के जो सैंडल है वो अंकल डांट रहे थे कि वही वही सैंडल पहना रही हो इसी वजह से मतलब शू है तो वो शू पहनता नहीं है वो जो सैंडल है वही पहननी थी उसे तो वो थोड़ी सी अंकल को पसंद नहीं आ रही थी इसी वजह से अंकल को लगा कि उसके लिए सैंडल लेनी है तो इसे सैंडल ले ली थी हमने बस उतना ही लाया है अलग सा सामान और चलिए अभी बनाना दिख रहा है मुझे यहाँ पे खा लेती हूँ मैं बनाना एक तो चलिए फिर देख तो लिया आपने सामान और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मैं और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे और हाँ कोरोना वायरस का तो इतना ज़्यादा हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी थी मतलब अपना डीमार्ट में इतनी ज़्यादा सेफ्टी कि सभी लोगों ने मास्क तो पहन ही लिया था हमने अद्विक को भी पहना दिया था बट वो भी क्या बोलते तो जो टेम्परेचर चेक करने की मशीन नहीं होती है उससे पहले एंट्री करने के टाइम टेम्परेचर चेक कर रहे थे उसके बाद एंट्री करा रहे थे तो इस तरह से थोड़ा सा कोरोना वायरस का वो दहशत फैल गई है तो इस वजह से वो भी थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं सारे लोग बट रखना भी चाहिए तो चलिए इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़ हॉल वीडियोज़ मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे थे मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा
प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब बोल रही हूँ फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।